हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। हम पढ़ रहे थे कायिक परिवर्तन। आज कायिक परिवर्तन का ये लास्ट वीडियो होने वाला है, इसके बाद कायिक परिवर्तन ऑलमोस्ट समाप्त हो जाएगा। तो हम पढ़ रहे थे कायिक परिवर्तन, और कायिक परिवर्तन में हमने पढ़ लिया था कि कायिक परिवर्तन कितने प्रकार का होता है। तो कायिक परिवर्तन होता है दो प्रकार का। सबसे पहला टाइप आपने इसका पढ़ा था प्राकृतिक कायिक परिवर्तन, और सेकेंड टाइप हम इसका पढ़ रहे थे कृत्रिम कायिक परिवर्तन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि कृत्रिम कायिक परिवर्तन भी तीन प्रकार का होता है। ये तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आपने इसमें पढ़ा था कर्तन विधि, नंबर दो स्तरण या दाब विधि, नंबर तीन अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग, अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग। और यहाँ आपने पढ़ा था कि जो अध्यारोपण की डेफिनेशन हम कल समझ चुके थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप कल का वीडियो ज़रूर देखें, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि अध्यारोपण क्या होता है और अध्यारोपण के प्रकार कितने होते हैं, अध्यारोपण के टाइप्स कितने होते हैं, ये हम डिस्कस कर रहे थे। तो हमने डिस्कस किया था कि अध्यारोपण भी कितने प्रकार का होता है। चार प्रकार का होता है। चार प्रकार कौन कौन से हैं? तो अध्यारोपण का पहला टाइप होता है ह्विप या जीभी या जीवारोपण। जीवारोपण इसका दूसरा टाइप है फच्चर या वेज रोपण। तीसरा टाइप इसका है पिरिट या कलम रोपण। तीसरा टाइप क्या है? किरीट या कलम रोपण, किरीट या कलम रोपण। और लास्ट फोर टाइप है इसका कलिका रोपण। तो इन्हीं चार टाइप्स के बारे में हमें आज स्टडी करना था। कौन कौन सा? अध्यारोपण के चार टाइप्स, हिप या जीभी या जीवारोपण, नंबर सेकंड फच्चर या वेजरोपण, नंबर थर्ड किरीट या कलम रोपण, नंबर लास्ट फोर्थ कलिका रोपण। इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिप जीभी या जीवारोपण के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर फर्स्ट हुई या जीभी या जीवारोपण। इसमें क्या होता है कि जो कलम और स्कंद होते हैं, एक तो होता है क्या कलम, हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कलम और स्कंद क्या होता है। जिस भाग को काटा जाता है, काट कर दूसरे पादप में रोपित किया जाता है, वो वाला भाग तो क्या कहलाता है? कलम। और जिस भाग में इस कलम को रोपित किया जाता है, पादप दूसरे पादप का वह भाग जिसमें इस कलम को रोपित किया जाएगा, वो भाग क्या कहलाता है? स्कंद। स्कंद, ठीक है। तो देखिए, समझिए ह्विप जीभी या जीवारोपण में क्या होता है कि पहली बात तो ये, हालांकि थोड़ा बनने में ये छोटा है बड़ा बन गया, लेकिन ये जो व्यास होता है, ये कलम और स्कंद दोनों का क्या होता है? समान होता है। ये पहली बात है, दोनों का व्यास क्या होता है? समान होता है। अब क्या करेंगे आप इसमें? अब इसमें आप सबसे पहला काम करते हैं, इस प्रकार से तिरछा चीरा लगाया जाता है। यहाँ पे इसमें भी, कलम में भी तिरछा चीरा लगाया जाता है और इधर स्कंद में भी एक तिरछा चीरा लगाया जाता है। और यहाँ पर एक
एक उभार बनाया जाता है, एक बुट बनाई जाती है, कलिका बनाई जाती है इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार का एक उभार यहाँ पर तैयार किया जाता है। वी चीरा लगाते लगाने के साथ ही इस प्रकार का एक कलम यहाँ पर तैयार कर ली जाती है। वी आकार का उभार यहाँ बनाया जाता है और इसी उभार के समान बिल्कुल सेम सॉकेट जो है वो यहाँ तैयार किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ सॉकेट तैयार किया जाता है। तो कलम और स्कंद का रूप किस प्रकार से बदल जाता है? तो कलम तो दिखाई देने लगती है इस प्रकार की। देखिए कलम कैसी दिखाई देगी, अब आपने इसको जिस शेप में काटा है उसके अनुसार ये यहाँ तिरछा चीरा लगाया था और बीच में ऐसा एक उभार छोड़ा था, ठीक है। इधर भी ये और ये कलम थी और इस उभार के अकॉर्डिंग स्कंद में आपने क्या किया था, वही तिरछा चीरा लगाया था और यहाँ एक सॉकेट बनाया था इस प्रकार का। ये तो इस प्रकार का रूप दोनों का हो जाता है। कलम ऐसी दिखाई देने लगती है और स्कंद ऐसा दिखाई देने लगता है। अब क्या होगा, अब इस कलम को आप क्या करेंगे, इस सॉकेट में ऐसे फिट कर देते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट प्रोसीजर हो जाएगा आपका कि जो स्कंद है, स्कंद का जो ये सॉकेट है, वेज जिसको आप कह सकते हैं, इस वेज में कौन सेट हो जाता है, इस वेज में आप जो है कलम को इस प्रकार से फिट कर देते हैं। इस प्रकार से आप कलम को क्या कर देते हैं, फिट कर देते हैं। एंड देन आफ्टर आप इसको क्या कर देते हैं, इसको आप अच्छे से रस्सी से बांध देते हैं और इसको पर्याप्त मात्रा में जल सप्लाई करते रहते हैं, इस पर छिड़काव करते रहते हैं जिससे इसे नमी बनी रहे। अब क्या होगा धीरे धीरे कि स्कंद तो मिट्टी में रोपित ऑलरेडी है, आपने दूसरे भाग से कलम काट करके इसमें लगाई है, तो यहाँ से इसको पोषण वगैरह तो पर्याप्त मात्रा में ऑलरेडी मिल रहा है। तो जब इसको ये अच्छे से जुड़ जाएगा, दोनों भाग अच्छे से जुड़ जाएंगे, अच्छे से बाइंड हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ जो ये कलम आपने लगाई है, ये कलम पुनः अंकुरित होकर के या वृद्धि करना शुरू कर देगी और इस प्रकार से कलम आपने एक किसी पादप से काट करके लगाई थी, यहाँ लगाने के बाद यहाँ पर भी ये कलम इसमें रोपित हो जाएगी और इस प्रकार से यहाँ एक पादप तो ये है ही ऑलरेडी और इसी के साथ साथ एक अन्य पादप भी यहाँ पर ग्रोथ करने लगेगा, है ना। ये पादप फर्स्ट, ये पादप सेकंड भी इसके साथ साथ ग्रोथ करने लगेगा। तो ये जो मेथड है जनन का, ये मेथड क्या कहलाता है, फिप जीवी या जीवारोपण, जो अध्यारोपण का पहला टाइप है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या हो सकता है पढ़ाते वक्त हमसे भी कोई चूक हो जाए तो उस को भी आप कमेंट करके हमारे ध्यान में ला सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा टाइप होता है फच्चर या वेजरोपण, फच्चर या वेजरोपण। नंबर सेकेंड टाइप है फच्चर या वेज रोपण, तो इस पे डिस्कस करते हैं जस्ट मिनट। देखिए फच्चर या वेज रोपण में होता क्या है कि वहाँ पर तो आपने कलम और स्कंद में क्या, देखो मैं दोनों को एक साथ फिर लाता हूँ। एक तो आपने अभी अभी पढ़ा है जीवारोपण, तो जीवारोपण में आप क्या करते हैं, जीवारोपण में तो हम पहले कलम में तिरछा चीरा लगाते हैं, स्कंद में भी तिरछा चीरा लगाते हैं, फिर यहाँ पर एक उभार बनाते हैं, यहाँ पर एक सॉकेट बनाते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं। परंतु फच्चर या वेज रोपण में क्या होगा, ऐसा नहीं होगा। फच्चर या वेज रोपण में तिरछा चीरा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जो स्कंद है, ये स्कंद है ना, स्कंद और कलम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिस भाग को काटा जाता है वो स्कंद और जिसमें लगाया जाता है वो कलम, सॉरी जिसको काट करके अलग किया जाता है वो कलम और पादप के जिस भाग में रोपित किया जाता है उसको स्कंद कहते हैं ना। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि यहाँ ये जो स्कंद है इसमें तिरछा चीरा लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, बल्कि जो ये स्कंद कटा है इसमें डायरेक्ट इस प्रकार से वी आकार का वेज बना दिया जाता है। ये पहले उसमें क्या किया था, आपने तिरछा चीरा लगाया था, यहाँ आपने तिरछा चीरा नहीं लगाया, सीधा क्या कर दिया, वी आकार का वेज बना दिया। और जो कलम है उस कलम में भी आप सीधा क्या करते हैं, वी आकार का उभार बनाते हैं और उसको इसमें फिट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे अंदर फिट हो जाएगा, फिट हो जाने के बाद आप क्या कर देंगे, फिट हो जाने के बाद आप इसको ऐसे बांध देंगे, तो वही पहले के ही समान, इससे पोषण इसको प्राप्त होगा, ये वृद्धि करेगा और यहाँ से एक नया पादप डेवलप हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, फच्चर या वेज रोपण। बेसिक अंतर क्या है जीवारोपण में और इसमें, जीवारोपण में पहले तिरछा चीरा लगाया जाता है लगभग 4 से 8 सेंटीमीटर का
और फिर उसमें एक उभार बनाया जाता है और उसी उभार का एक सॉकेट स्कंद में बनाया जाता है। फ्रैक्चर या वेज रोपण में क्या होता है, सीधा वी आकार का वेज बनाया जाता है और इसमें वी आकार की कलिका को इस प्रकार से फिट, वी आकार की कलम को इस प्रकार से फिट कर दिया जाता है। तो ये होता है फ्रैक्चर या वेज रोपण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अध्यारोपण का तीसरा टाइप क्या है। तो अध्यारोपण का तीसरा टाइप होता है किरीट या मुकुट रोपण। यहाँ क्या होता है कि अब तक जो आपने दो टाइप पढ़े हैं उन दो टाइप में तो क्या था कि जो कलम था, इधर ये कलम, इसका व्यास और ये स्कंद, दोनों का व्यास क्या था, समान था। लेकिन किरीट या मुकुट रोपण में क्या होता है कि जो स्कंद है इसका व्यास कलम की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा वृक्ष काटा है ना, जिसका तना बहुत मोटा है, इस प्रकार से अब कटने के बाद ये उसका बेस तैयार हो गया है, तो अब इसी को तो क्या कहेंगे आप, स्कंद कहेंगे। अब ये स्कंद क्या होगा कि इसमें चूंकि जड़ें तो काफ़ी गहराई में है इसकी, है ना, थोड़ा ऊपर ले लेते, जड़ें तो इसकी काफ़ी गहराई में है, तो इसमें जल पोषक तत्वों की कोई कमी नहीं है। हम इसको यूज में लेना चाहते हैं तो इसको हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं कि इसमें दूसरे पादपों की छोटी छोटी कलमें आप लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक वेज बनाया और वेज बनाकर उसमें आपने कोई कलम की, गुलाब की कलम लगा दी। अब क्या होगा, यहाँ से पोषण यहाँ तक तो आ रहा है, अब इसमें आपने गुलाब लगा दिया, तो गुलाब लगा दिया तो अब यहाँ क्या हो जाएगा कि जब गुलाब की इस कलम को पोषण मिलेगा तो यहाँ पर गुलाब का एक पादप तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से गुलाब का एक नया पादप यहाँ पर तैयार हो जाएगा। अच्छा, इसका एक फायदा क्या है कि सिर्फ एक नहीं, इस ऐसी कई कलमें आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और सिर्फ गुलाब की नहीं, आप अलग अलग पादपों की भी कलमें यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस प्रकार से इसका एक बहुत, मैं कह सकता हूँ कि एक डेकोरेटिव मोड में भी ये काम करेगा गार्डन वगैरह में। इस प्रकार से आप एक ही पादप में कई सारे अलग अलग किस्म के पादपों को लगा सकते हैं, तो ये एक फ़ायदा है। हमारे आसपास अगर कहीं पेड़ कट गया है तो वहाँ पर हम इस प्रकार का प्रयोग करके देख सकते हैं, बिल्कुल है ना, किसी लेबोरेटरी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं तो इस प्रकार का प्रयोग करके आप देख सकते हैं। देखो ऐसे ही कितना अच्छा लग रहा है, तो जब आप रियल में सोचिए कि एक स्कंद के अंदर इस प्रकार की कलमें रोपित की जाए तो यहाँ पर एक नया पादप तैयार हो जाता है, बिल्कुल मुकुट जैसा इसका लगेगा कि ये इसका मुकुट तैयार हो गया है, तो इसको आप कहते हैं किरीट या मुकुट रोपण। इस तरीके से भी आप नए पादप यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ये भी अध्यारोपण का एक टाइप है, तीसरा टाइप किरीट या मुकुट रोपण। चौथी टाइप की बात करते हैं, चौथा टाइप होता है कलिका रोपण। और कलिका रोपण में क्या होता है, देखिए आप कि जो फोर टाइप है, नंबर फोर्थ कलिका रोपण, तो कलिका रोपण में क्या होता है कि यहाँ जो कलम है, जैसे मान लीजिए कोई एक वृक्ष है, कोई भी वृक्ष ले लीजिए, है ना, एक वृक्ष है, यहाँ ये है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई भी है, अमरूद का ही वृक्ष है, अमरूद का वृक्ष है, और इधर एक दूसरा वृक्ष है, कोई दूसरा वृक्ष है ना, तो यहाँ क्या किया जाता है, मान लीजिए यार एज एग्जांपल मानना है तो आप मान लीजिए ना, बायोलॉजी में मानने में ज़्यादा संकोच नहीं करना चाहिए, मैथ्स वगैरह में भी तो मानते ही हैं, तो ये अमरूद है, ये आम है। अब यहाँ पर आप कलिका रोपण के द्वारा एक नया पादप तैयार करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि ये जो अमरूद है तो इसका आप यहाँ से जो है इसकी जो छाल है, इस छाल को यहाँ से इस प्रकार टी आकार में काटेंगे, ऊपरी भाग को, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं काटना है, ऊपरी भाग को
बड़ी सफाई के साथ आप टी आकार में काट करके अलग कर लेंगे। तो ये जो टी आकार का भाग आपने काट कर निकाला है छाल वाला, ठीक है, इस टी आकार के भाग को ही आप क्या कहते हैं, इस टी आकार के भाग को ही आप कलिका कहते हैं, कलिका कहते हैं। अब आप इसको लगाना चाहते हैं कहाँ, इस वृक्ष में, ठीक है। तो इस वृक्ष में जब आप इसको लगाएंगे तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप एक टी आकार का छाल काट करके एक सॉकेट तैयार करेंगे, ठीक है। छाल को टी आकार में काट करके आपने क्या कर लिया, यहाँ पर एक गड्ढा, एक सॉकेट तैयार कर लिया। अब आप क्या करेंगे, जैसा हम करते आए हैं, इस टी आकार की छाल को यहाँ ले जाएंगे और इसके ऊपर यहाँ सेट कर देंगे, चिपका देंगे, ठीक है। चिपकाना मतलब कोई गोंद वोंद से नहीं चिपकाना है, ऐसे इसमें सेट करके, क्योंकि उसी के आकार का बनाया है, और सेट करके इसके चारों ओर जो है हम इसको रस्सी वगैरह से जैसा हम बांधते आए हैं वैसा यहाँ पर इस प्रकार से बांध देंगे, ठीक है। और इसको अनुकूल परिस्थितियाँ देंगे, छिड़काव वगैरह करते रहेंगे पानी का ताकि यहाँ पर नमी बनी रहे। तो ये कलिका जो है ये किसकी रोपित करी थी आपने, हमने एग्जाम्पल माना था कि अमरूद की। अब इसको जब पोषण मिलेगा, यहाँ से ये विभाजन करेगी इसकी यथा, तो यहाँ से अगर जो कलिका विकसित होगी, कलिका नई कलिका जो विकसित होगी, अंकुरित होगी, वो किसकी होगी, वो होगी अमरूद की। अब समझ रहे हैं क्या होने वाला है। तो यहाँ आम का जो वृक्ष था उस पर आम तो ऑलरेडी ही लग रहे थे, ठीक है ना। आपने क्या कर दिया, हाँ अमरूद की कलिका लगा दी, तो यहीं से एक और पादप जो निकलेगा वो किसका निकल जाएगा, अमरूद का निकल जाएगा। अच्छा, ये विशेष बात का ध्यान देना है कि मैंने आम स्कंद का लिया है, अमरूद जो है वो उसकी कलिका ली है। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं ऐसा कह देता कि यार ये इसकी कलिका काट करके, इसकी कलिका काट करके और अमरूद में सेट करूं, तो अब अगर अमरूद के पेड़ पे आम उग जाएगा तो ये इसका वजन ही नहीं सहन कर पाएगा। तो थोड़ा सा इस हमने माना है वो भी थोड़ा ठीक से इस प्रकार की प्रोसीजर करें, ऐसा नहीं करें कि आम की कोई टी आकार की कलिका निकाल करके उसको अमरूद पे लगाएं, क्योंकि अगर अमरूद पर आम उग गया तो फिर आप सोच सकते हैं क्या होने वाला है ना, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। आम काफ़ी विशाल होता है और उस पर जो है अमरूद की कलिका विकसित हो सकती है, या कोई बेल वगैरह कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये जो टाइप है ये टाइप क्या कहलाता है, कलिका रोपण है। आप करके देख सकते हैं अपने आसपास के वृक्षों में। आगे बढ़ते हैं तो ये कलिका रोपण भी समाप्त हो जाता है। और कलिका रोपण के साथ हमारा जो है अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग वाला जो टॉपिक चल रहा था वो भी यहाँ समाप्त हो जाता है। देखिए, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में कर्तन पढ़ लिया, स्तरण पढ़ लिया, अध्यारोपण पढ़ लिया, और अध्यारोपण के चार टाइप, हिप, फच्चर, किरीट और कलिका रोपण भी हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। एक बार फिर अब तक क्या पढ़ा है उसको हम एक समरी के रूप में देख लेते हैं कि हम अब तक क्या पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखिए, हमने अध्याय एक पढ़ना शुरू किया था। अध्याय एक क्या क्या पढ़ा है उसको दोहरा लेते हैं। हमने अध्याय एक पढ़ना शुरू किया था, आवृत, बीजी, पादपों में जनन। और हमने पढ़ा था कि आवृत, बीजी, पादपों में जनन कितने प्रकार से होता है। दो प्रकार से होता है। नंबर फर्स्ट हमने पढ़ा था कौन सा, अलैंगिक जनन, और दूसरा हमने पढ़ा था लैंगिक जनन। अगर भूल गए हो तो याद कर लीजिए। हमने पढ़ा था कि बिना निषेचन प्रक्रिया के होने वाला जनन अलैंगिक जनन कहलाता है, और निषेचन के फलस्वरूप होने वाला जनन लैंगिक जनन कहलाता है। इसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने आगे पढ़ा था कि जो अलैंगिक जनन है वो भी कितने प्रकार का होता है, वो भी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार कौन कौन से, तो एक प्रकार होता है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, और दूसरा टाइप होता है कायिक जनन या कायिक परिवर्धन। अब यहां हमने क्या पढ़ा था, तो अनिषेक बीजता में हमने पढ़ा था कि पादप का निर्माण तो बीज से ही होता है, परंतु जो बीज है इसका निर्माण बिना निषेचन के ही हो जाता है, तो इसको कहते हैं अनिषेक बीजता।
कायिक प्रवर्धन में हमने कहा था कि पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती या पत्र प्रकलिका जिसे जननांग कंसिडर किया था, उसके द्वारा होने वाला जनन क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और कायिक प्रवर्धन को हमने पुनः दो भागों में बांटा था कि कायिक प्रवर्धन भी कितने प्रकार का हो सकता है। तो कायिक प्रवर्धन भी दो प्रकार का हो सकता है। इसके दो प्रकार हमने कौन कौन से पढ़े थे? तो कायिक प्रवर्धन का पहला प्रकार पढ़ा था नंबर ए, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और दूसरा टाइप था कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। देखिए, अगर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन की बात करें तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पादप के कायिक भाग जो हैं, यानी कि जड़, तना, पत्ती, वह स्वतः ही एक नए पादप का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर ये निर्माण तने द्वारा होता है, यानी कायिक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार से हो सकता है, तो ये चार प्रकार से हमने पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था तने द्वारा, तने द्वारा। और आपने ध्यान होगा कि तने के हमने कई रूप यहाँ पर पढ़े थे, फास्टली एक बार दोहरा लेते हैं। जैसे हमने एक पढ़ा था परकंद, एग्जाम्पल आप जो है मन में ध्यान लाइए, परकंद का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा था? अदरक। एक हमने पढ़ा था घनकंद, जिसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था अरबी या केसर। एक आपने पढ़ा था कंद, जिसका एग्जाम्पल था आलू। एक था शल्ककंद, जिसका एग्जाम्पल आपने पढ़ा था प्याज व लहसुन। एक था ऊपरी भूस्तारी, जिसका एग्जाम्पल था दूब घास। अंतः भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, जिसका एग्जाम्पल था पुदीना। भूस्तारी, जिसका एग्जाम्पल था स्ट्रॉबेरी। और एक तने का रूप था भूस्तारिका, भूस्तारिका, जिसका एग्जाम्पल था जलकुंभी। तो ये सब तने द्वारा कायिक प्रवर्धन आपने यहाँ पर पढ़ा था। इसके बाद आपने जो दूसरा टाइप पढ़ा था, वो दूसरा टाइप था जड़ द्वारा। तो जड़ द्वारा भी आपने यहाँ टू टाइप पढ़ लिए थे कि जड़ में एक तो होती है मूसला जड़, मूसला जड़, और एक होती है अपस्थानिक जड़। ये सामान्यतया काष्ठीय पादपों में होती है और ये होती है कायिक पादपों। और यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आपने यहाँ पढ़ा था, एक एग्जाम्पल पढ़ा था आपने नीम का, एक एग्जाम्पल पढ़ा था आपने चमेली का। ठीक है, नीम, चमेली, है ना। और इसी प्रकार अगर यहाँ बात करें तो यहाँ आपने पढ़ा था शकरकंद, डहेलिया। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपने यहाँ डिस्कस किए थे। आगे बात करते हैं तीसरा। तो तीसरा का एक प्रवर्धन आपने पढ़ा था पत्ती द्वारा, और पत्ती में आपने पढ़ा था ब्रायोफिलम और बिगोनिया एग्जाम्पल पढ़ा। और फोर्थ था लास्ट जननांगों द्वारा, जिसमें आपने पढ़ा था अगेव, ग्लोबा, और एक एग्जाम्पल और पढ़ा था आपने रतालू। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या समाप्त हुआ था? प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। देखिए, पूरा रिवीजन हो गया है ऑलमोस्ट कायिक प्रवर्धन में, इसके बाहर कुछ नहीं होता है। तो एक साथ पूरा आपका रिवीजन हो गया, और इसमें से एक प्रश्न डेफिनेटली परीक्षा में पूछा जाएगा। तो अच्छे से इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिए। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन हमारा अभी टॉपिक चल रहा था कि मनुष्य के द्वारा होने वाला कायिक प्रवर्धन क्या कहलाएगा। कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो कितने प्रकार का होगा? तीन प्रकार का, कर्तन, स्तरण या दाब, और तीसरा जो हमने आज ही समाप्त किया, अध्यारोपण या ग्राफ्टिंग। और ये कितने प्रकार की होती है? तो ये भी चार प्रकार की होती है, मैं वैसे ही लिख देता हूँ। जीवारोपण नंबर दो आज आपने पढ़ा, जीवारोपण के बाद फच्चर या वेज रोपण नंबर थर्ड पढ़ा आपने, किरीट या मुकुट रोपण, और नंबर लास्ट आपने पढ़ा कलिका रोपण।
तो इस प्रकार से आपने देखा क्या, आपने यहाँ पर आज जो है ये अलैंगिक जनन वाला पोर्शन समाप्त किया। अब अलैंगिक जनन की बात यहाँ आवृत बीजी पादपों में नहीं होगी। अब कल से यानी नेक्स्ट वीडियो से बात होगी किसकी, दूसरा टाइप यानी क्या बच रहा है, लैंगिक जनन। मैंने कहा था कि आगे आने वाली क्लासेस में हम लैंगिक जनन पर विस्तार से बात करेंगे, तो बने रहिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर के आएंगे और लैंगिक जनन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।